एक पत्रकार साथी जो है मंडू माली, ये 19 तारीख को जो है वो रात में गुम हो गए थे। उसके बाद में 20 तारीख को जब उसके परिवारजन को ढूंढते हुए उनको नहीं मिला वो, तो 20 तारीख को जो है वो इन्होंने थाने पे रिपोर्ट की कि गुमशुदगी की रिपोर्ट करी थी। तो उसके बाद में पुलिस ने ढूंढना स्टार्ट किया। हम लोगों को 2 से 3 जो है वो अलग अलग 2 से 3 जो है वो अलग अलग ये मिले थे, घटनास्थल मिले थे, घटना के संबंधित जुड़े हुए जगह मिली थी। एक जिसके अंदर मोहनदा करके एक व्यक्ति है, उसका खेत था, उस खेत के अंदर एक पार्टी हुई थी। उसके बाद उस खेत के पास में एक पक्का मकान बना हुआ था, जो खेत में एक खोली बनी रहती है, तो वहाँ पे एक जला हुआ पूरा के पूरा मकान के अंदर जला हुआ था, और सारी जो लकड़ी वगैरह थी वो पूरी जल चुकी थी, पूरी राख थी वहाँ पे। और दूसरा एक था जहाँ पे बंडू माली की गाड़ी मिली थी, वो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर डैम के पास में मिली थी। ये तीनों चारों जो जगह थे, सबसे पहले वो हमारे नॉलेज में आया, देखा, उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। जिनके साथ में उसने पार्टी की थी उन लोगों को हमने उठा के पूछताछ करना स्टार्ट किया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि पैसे जो है उसने दिए, और वो पैसे लेके उसने बोला कि हम लोग अपन पार्टी करते हैं, जिसके अंदर एक संतोष जो स्वयं पार्टी देने वाला व्यक्ति, एक बंडू माली, उसके बाद में फिर एक जो है वो अर्जुन, एक मोहनदा, एक गोलू गोलिया करके एक था, और एक जो है वो किरण, ऐसे 6 लोग मिलके जो है वो पार्टी करेंगे। जहाँ पे पार्टी होने वाली थी वो जो है वो मोहनदा का खेत था, और वहीं पे काम करने वाले व्यक्ति जो है वो एक किरण और एक गोलू, ये वहीं पे आसपास में काम करते हैं। और वो बड़बड़ाला करने लग गया, तो उसके बाद संतोष ने बोला कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। जिसकी पार्टी थी वो संतोष जो है वो पार्टी छोड़ के जाने लग गया। जब पार्टी छोड़ के जाने लग गया तो उसके बाद में बंडू वो आगे गया, और उसने बंडू को कॉल किया, कॉल लगा नहीं। फिर बाद में बंडू ने उसको फ़ोन करके बोला कि अब तेरी पार्टी थी, तू ही जा रहा है, तो मैं चलाता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। बंडू उसके साथ में गया, गाड़ी में उसको बिठाया, गाड़ी में बिठा के फिर वापस खामनी तक पहुँचा, खामनी में उसको छोड़ा। अब छोड़ने के बाद में अलग से घटनाक्रम वापस स्टार्ट होता है। उसके बाद में जब उसने खामनी में उसको छोड़ा है, फिर बंडू माली घूम के वापस जो है वो अपने वहाँ पर खेत पर आया। सुखलाल पांचाल का घर है, वहाँ पर इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हुआ। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो तीनों ने मिल के उसको काफ़ी मारा। मारने के बाद में ये घटनाक्रम में भी कुछ लोग जो है वहाँ पे एक दो प्रत्यक्षदर्शी है, उनके द्वारा, एक प्रत्यक्षदर्शी है उसके द्वारा ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया कि किस किस तरीके से उसको मारा है। मारने के बाद में फिर उसको जो है, क्योंकि वो जब बेहोश हो गया तो उसको फिर वो खेत की तरफ लेके चले गए। खेत की तरफ लेके गए तो वहाँ से वो गए उस तरफ तुम्हारा जहाँ पे वो घटनास्थल है। पुलिस ने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो है वो अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, गोलू, किरण और मोहन करके, तीनों के तीनों खामनी के है। 19 तारीख की रात को इनके द्वारा जो है वो एक पार्टी मनाई जा रही थी, जिसके अंदर अत्यधिक शराब पीने की वजह से इनमें झगड़ा हुआ। झगड़े के अंदर जो है वो इन तीनों के द्वारा बंडू माली को जो है वो मारपीट की गई, और शराब के नशे में ही वहाँ पे पास में जो खेत के पास में एक सुनसान मकान बना हुआ था वहाँ पे लेके जाके और उसको जो है वो जला दिया गया। इस तरीके से उससे हत्याकारित की गई है। इसमें 365 का मुकदमा कायम करके 302 हत्या का धारा बढ़ाकर तीनों की आज गिरफ्तारी कर ली गई है। एक दिन की PR ली गई है, PR लेकर और भी हम लोग पूछताछ करेंगे और प्रयास करेंगे और कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे।